हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक और वीडियो लेके एक बार फिर आप व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोमी अली का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं। सोमी अली 25 मार्च 1974 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई और वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस और राइटर के तौर पर जानी जाती हैं। व्यूअर, जब सोमी अली की एज 12 साल की थी तो उनकी फैमिली फ्लोरिडा यूएसए शिफ्ट हुई, जहां पर वो सेटल हो गए और फिर वापस मुड़कर पाकिस्तान की तरफ नहीं आए। जब सोमी अली 16 साल की एज में आई तो उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और यहाँ पर उन्हें फिल्में मिलना शुरू हुई और तकरीबन 10 के करीब मूवीज में उन्होंने काम किया है। सोमी अली को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तो ज्यादा नुमाया मुकाम नहीं मिल पाया, लेकिन उनके रिलेशन को काफी ज्यादा चर्चा मिले थे। उनका रिलेशन था बॉलीवुड के सुपरस्टार खान सलमान खान के साथ, तो सलमान भाई के साथ इनका रिलेशन तकरीबन 6 साल तक रहा और उसके बाद 1999 में वो रिटर्न हो गई फ्लोरिडा की तरफ और दोबारा मुड़कर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की। सोमी अली ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस 1992 की फिल्म बुलंद साइन की थी, लेकिन सलमान खान स्टारर ये फिल्म किसी वजह से रिलीज नहीं हो सकी। तो एज एन एक्ट्रेस सोमी अली की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की डेब्यू मूवी साबित हुई किशन अवतार, जो कि 1993 को रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सोमी अली का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज का वीडियो भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। एज एन एक्ट्रेस सोमी अली की डेब्यू मूवी जो उन्होंने साइन की थी, उस फिल्म का नाम था बुलंद और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे M.R. शाहजहां। फिल्म की लीड कास्ट में सलमान खान, सोमी अली और महनेश बैल शामिल थे। 1993 में बनने वाली इस फिल्म की तकरीबन 80% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी थी जिसमें सोमी अली और सलमान खान पहली दफ़ा आमने सामने आए और उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और ये रिलेशन तकरीबन 6 साल तक चला। लेकिन फिल्म की शूटिंग 80% होने के बावजूद भी ये फिल्म कंप्लीट ना हो सकी और आज तक रिलीज नहीं हो पाई। सोमी अली की नेक्स्ट मूवी का नाम है किशन अवतार और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अशोक गायकवाड़ ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, सोमी अली, बारिश रावल और शक्ति कपूर। और ये फुल एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.1 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 1 करोड़ 45 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 72 लाख और कलेक्शन के हिसाब से किशन अवतार एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। 10 जून 1994 को रिलीज हुई फिल्म अंत। फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय खन्ना ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे सुनील शेट्टी, सोमी अली, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और पारेश रावल। और ये भी एक एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.7 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 65 लाख और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 3 करोड़ 93 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 7 करोड़ 17 लाख और कलेक्शन के हिसाब से अंत एक सीमी हिट फिल्म करार दी गई। 4 नवंबर 1994 को रिलीज़ हुई फिल्म यार गद्दार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, सैफ अली खान, सोमी अली, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर। और ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.6 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 10 लाख और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 2 करोड़ 40 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 4 करोड़ 9 लाख और कलेक्शन के हिसाब से यार गद्दार एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। 25 नवंबर 1994 को रिलीज हुई फिल्म आओ प्यार करें। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रविंदर पीपट ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे सैफ अली खान, सोमी अली, शिल्पा शेट्टी, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर और मुकेश खन्ना। और ये एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.2 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 43 लाख के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 2 करोड़ 43 लाख और कलेक्शन के हिसाब से आओ प्यार करें एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई थी। 23 दिसंबर 1994 को रिलीज़ हुई फिल्म तीसरा कौन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पार्थू घोष ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे मिथुन चक्रवर्ती, चंकी पांडे, सोमी अली, जावेद जाफरी, सतीश शाह और राकेश बेरी वगैरह शामिल थे। और ये एक कॉमेडी थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.3 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 2 करोड़ 20 लाख और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन में 3 करोड़ 15 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 4 करोड़ 43 लाख और कलेक्शन के हिसाब से तीसरा कौन भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। 3 मार्च 1995 की फिल्म आंदोलन। फिल्म को डायरेक्ट किया था अजीज सजावल ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे संजय दत्त, गोविंदा, ममता कुलकर्णी, सोमी अली। और ये एक एक्शन ड्रामा कॉमेडी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.1 स्टार दिए गए थे।
आंदोलन मूवी का बजट था 3 करोड़ 75 लाख और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन में 6 करोड़ 5 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 8 करोड़ 63 लाख और कलेक्शन के हिसाब से आंदोलन एक एवरेज फिल्म करार दी गई। 24 मई 1996 की फिल्म माफिया, इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था अजीज सजावल ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे धर्मेंद्र, आदित्य पंचोली और सौमी अली और ये एक फुल एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.2 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 2 करोड़ और इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन में 3 करोड़ 19 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 5 करोड़ 49 लाख और कलेक्शन के हिसाब से माफिया एक एवरेज फिल्म करार दी गई। फरवरी 1997 में रिलीज़ होने वाली मूवी अग्नि चक्रा, गोविंदा और नसीरुद्दीन शाह स्टारर इस फिल्म में सौमी अली ने स्पेशल अपेयरेंस दिए थे। 14 फरवरी 1997 की फिल्म चुप, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमरेश सिंघाल ने और फिल्म की लीड कास्ट में शामिल थे जितेंद्र, सौमी अली, अविनाश वधावन, ओम पुरी और ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.4 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन में जस्ट 29 लाख और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 53 लाख और कलेक्शन के हिसाब से चुप एक डिजास्टर फिल्म करार दी गई और एज एन एक्ट्रेस सौमी अली की करियर की ये आखिरी मूवी साबित हुई। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड एक्ट्रेस सौमी अली का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज किया। आज की इस वीडियो में मौजूद सौमी अली की इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना न भूलिएगा और आने वाली वीडियोज़ में आप किन किन सुपरहिट एक्टर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखें, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो, अगर हमारी ये आज की कोशिश आप व्यूवर्स को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक आप व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से बेहतर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सब व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।